रिया की सच्चाई आ गई सबके सामने और प्राची लाएगी रिया की सच्चाई सबके सामने और पहली बार प्राची करेगी रिया को बदनाम। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्राची रणबीर के घर से रिया रणबीर की शादी के हॉल में पहुंचेगी तब प्राची लेट हो चुकी होगी क्योंकि तब रिया रणबीर की शादी पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी और रिया रणबीर और पूरा कोहली परिवार अपने घर के लिए रवाना हो चुका होगा, जिस वजह से प्राची पूरी तैयारी के साथ एनजीओ और पुलिस वालों को लेकर रणबीर के घर में पहुंच जाएगी। जहाँ पर जब प्राची रिया का गृह प्रवेश होते हुए देखेगी तभी प्राची पानी का लोटा लेकर रिया के गृह प्रवेश वाले कुमकुम के पैरों के निशान के ऊपर पानी डाल देगी, जिसे देखकर रिया और पल्लवी के होश उड़ जाएंगे और रणबीर प्राची का नया रूप देखकर हिल जाएगा, जिस वजह से जब पल्लवी प्राची का जोर से हाथ पकड़ के प्राची को कहेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिया रणबीर की शादी के रिचुअल्स को डिस्टर्ब करने के, तब पुरानी वाली नहीं बल्कि नई प्राची मुंह तोड़ जवाब देती हुई कहेगी कि गलत पैर से लगा हुआ कुमकुम अगर घर में आए तो उससे घर में शांति आएगी फिर अशांति, ये आप खुद ही सोच लीजिए। यह सुनकर पल्लवी कुछ बोल नहीं पाएगी लेकिन जब रिया प्राची को बदनाम करने की कोशिश करेगी और प्राची को कहेगी कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और किस लिए आई हो, तब प्राची कहेगी कि मैं यहाँ पर अपने पति रणबीर के लिए आई हूँ, जिसे सुनकर पल्लवी कहेगी कि रणबीर को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं इसीलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ और हमें डिस्टर्ब मत करो। तब यह सुनकर प्राची कहेगी कि मैंने इस घर के सारे धर्म निभाए हैं वो भी खुशी खुशी और आपका मैंने हर एक काम किया है और मैंने सहा है, इसीलिए आज मैं अपने पति के लिए अपने पत्नी का धर्म निभाने के लिए आई हूँ। तब यह सुनकर रिया कहेगी कि रणबीर तुम्हारा पति नहीं है क्योंकि अब रणबीर की मेरे साथ शादी हो चुकी है। यह सुनकर प्राची मुंह तोड़ जवाब देती हुई कहेगी कि रणबीर का मेरे साथ डाइवोर्स नहीं हुआ है इसीलिए कानून के अनुसार यह शादी वैलिड शादी नहीं है, दिस इज नॉट वैलिड मैरिज, जिसे सुनकर रिया के होश उड़ जाएंगे और रिया प्राची को बदनाम करती हुई कहेगी कि जो खुद अपने पति की नहीं हुई और अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के पास जाती है वो वैलिड मैरिज का हमें पाठ सिखाएगी। यह सुनकर प्राची को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा जिस वजह से प्राची मार देगी रिया को जोर से तमाचा और प्राची उल्टा ही रिया को बदनाम करती हुई कहेगी कि तुम तो दूसरी पत्नी हो और दूसरी पत्नी का मतलब होता है सेकंड वाइफ और ऊपर से बिना डाइवोर्स की शादी तुम्हारी वैलिड शादी नहीं है और अभी भी मेरा हक रणबीर पर उतना ही है जो पहले था। यह सुनकर जब पल्लवी प्राची का जोर से हाथ पकड़ कर प्राची को खींच कर घर से बाहर निकालने की कोशिश करेगी तभी रणबीर अपनी माँ पल्लवी को रोकते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़ लेगा, जिससे रिया को काफी बड़ा शॉक लगेगा और यह भी पीछे से रणबीर का हाथ पकड़ लेगी और मामला हद से ज्यादा बढ़ जाने की वजह से तभी उसी वक्त घर के बाहर छुपे हुए एनजीओ की औरतें और पुलिस आ जाएगी, जिसे देखकर पल्लवी और रिया के होश उड़ जाएंगे और एनजीओ की औरतों को देखते ही रिया अचानक से बदल जाएगी और इमोशनल नाटक करना शुरू कर देगी और रिया एनजीओ की औरतों और पुलिस वालों को कहेगी कि अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए, यह प्राची मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है और अब मेरी शादी तो रणबीर के साथ हो गई है इसीलिए रणबीर मेरा पति है इसीलिए आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। यह सुनकर जब एनजीओ की औरतें कहेगी कि हम यहाँ पर प्राची के लिए आए हैं तब रिया के होश उड़ जाएंगे और प्राची अपने पति रणबीर पे हक जताती हुई रणबीर की दूसरी पत्नी रिया को एनजीओ की औरतों के जरिए बाहर निकलवाएगी और कानून और पुलिस वालों की वजह से रिया को रणबीर का घर छोड़कर जाना होगा और चली जाएगी रिया रणबीर के घर से हमेशा के लिए दूर और हो जाएंगे रणबीर प्राची दोनों एक, लेकिन रिया की सच्चाई सामने आनी चाहिए क्या नहीं और नई प्राची को स्ट्रांग बनकर रिया और पल्लवी से बदला लेना चाहिए क्या नहीं और रणबीर को उसके किए के लिए माफ कर देना चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।